वो फॉइल में है कुल्फी चिकन। क्या कुल्फी चिकन? या कुल्फी चिकन क्या होती है? नीचे भी पर्दा ऊपर भी पर्दा। आप वेजिटेबल्स नहीं खाते हो? आपको करना है क्लोज करना है क्या दिलेश? हाँ। कर लो। इस बार के दिव्या कुक फॉर कुणाल कॉन्टेस्ट की विनिंग रेसिपी है पत्थर का गोश्त। और पत्थर का गोश्त खाने हम आए हैं शबनम देलवी के घर। उन्होंने कहा है कि उनका पत्थर का गोश्त बहुत अच्छा है और रेसिपी विनिंग है, और उसके साथ हम बहुत सारा खाना खाने वाले हैं। लेकिन मुझे कुछ डर नहीं, क्योंकि खाना कितना भी हैवी हो, कितना भी टेस्टी हो, कितना भी भरपूर हो, मेरे पास दिव्या है। तो चलो मिलते हैं शबनम से और उन्हें पूछते हैं कि खाने में क्या है। तो ये है शबनम जी, इनका इनका जो रेसिपी है पत्थर के गोश्त का, उसको अवार्ड मिला है। और ये रहा आपका दिव्या कुक फॉर कुणाल कॉन्टेस्ट का कैश प्राइज 5,000 रुपीज। अब आप मुझे बताइए ये पत्थर का गोश्त का स्टोरी क्या है? मैंने हैदराबाद में खाया है पत्थर का गोश्त, बहुत अच्छा है पत्थर का गोश्त, लेकिन बम्बई में यहाँ मैंने किसी के घर में या किसी के हाथ का खाया नहीं है जी। तो ये ऐसा था कि मेरा एक फ्रेंड है मोहम्मद आमिरुद्दीन जो हैदराबाद में रहते हैं। हाँ। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी शेफ बनते हो, सो पत्थर का गोश्त बना के बताओ, क्योंकि आई हैव नेवर बीन इन हैदराबाद। सो उन्होंने कहा कि बना के बताइए कि देखूं कितनी बड़ी शेफ हो। सो आई वाज लाइक ठीक है, क्योंकि अब उनको ऐसा लगा कि पत्थर कहाँ से लाएंगे ये लोग। वो भी है। तो मैंने आइडिया लगाया, देन मैंने बोला सील जो हमारा ट्रेडिशनल होता है जिसमें हम मसाला पीसते थे, तो उसको मैंने सिगड़ी के ऊपर रख के, एंड देन आई ट्राइड मेकिंग माय इनोवेशन क्या कैसा है। नॉट इवन मैंने रेसिपी भी नहीं देखा कि क्या रेसिपी है, क्या इंग्रेडिएंट्स। आई हैव मेड माय ओन रेसिपी। सो ट्रायल एरर करते करते, बट फर्स्ट टाइम में अल्हम्दुलिल्लाह घर वालों को सबको फर्स्ट टाइम में अच्छा लगा था। लेकिन मैंने आपकी रेसिपी देखी जो विनिंग रेसिपी है, उसके हिसाब से तो बहुत अच्छा लगता है आपका, इसलिए आप विनर हो। थैंक यू सो मच। तो अभी अभी तो टेस्ट करना है उसे। Sure. और आपने और कुछ भी खाना बनाया ऐसे मैंने सुना है? बहुत कुछ बनाया आपके लिए स्पेशल। लेकिन पहले देखते हैं पत्थर और गोश और फिर पत्थर का गोश। तो कहाँ बना रहे हैं हम लोग? हम टेरेस पे बनाएंगे। टेरेस पे बनाएंगे जी। चलो तो हम बनाने जा रहे हैं शबनम का पत्थर का घोष। और पत्थर के घोष के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज होती है पत्थर। Correct. और ये है पत्थर। अब ये क्या पत्थर है, कहाँ से लाया और कुछ स्पेशल है क्या ये पत्थर? ये एक्चुअली ये है सील, इसको हम इसमें जैसे ओल्ड ट्रेडिशनल जो हमारा रहता है उसमें हम मसाला पीसते थे। अच्छा वो हाँ, है ये सील। तो इस पत्थर को लेकर आपने पहले गर्म किया इस पत्थर को? जी पहले। कितने समय गर्म रहता है? 20 मिनट्स में ये गर्म हो जाता है। कोयले पे गरम कोयले पे 20 मिनट्स में मिनट हो जाता है। हाँ, तो पत्थर गरम हो रहा है अभी, ये सब इंग्रेडिएंट्स है। तो आप बताइए क्या करना है हमें। जैसे ये है मटन। हाँ। जिसको मैंने पहले से कूट के रखा है। अच्छा, कौन सा पीस है और ये आपने? इसको हमने फ्लैट किया, पार्चा जो हम कहते हैं, ओनली बोनलेस पार्चा होता है। हाँ। उसको हमने फ्लैट किया है। ओके। हैमर से जो हमारा मटन, हाँ, मटन का हैमर जो होता है उससे, हाँ, उससे वो फ्लैट किया है। हाँ। सो आई विल स्टार्ट विद कर्ड। आप बताओ कितना डालना है इसमें कर्ड? सब डालना है क्या? मोस्टली सब जाएगा। मोस्टली सब जाएगा तो फिर ऐसे ही करते हैं ना। जिंजर गार्लिक पेस्ट। अभी पपाया, ये रॉ पपाया है जो टेंडराइजर है ना, मटन को सॉफ्ट बनाता है। सब डालू क्या? नहीं, हाफ चाहिए। हाफ, ये बस हो गया? बस। ओके, नाउ दिस इज जस्ट ग्रीन चिली, प्योर ग्रीन चिली। अभी गरम मसाला। That's it. बस हाफ गरम मसाला। नाउ माय सीक्रेट मसाला। अभी सीक्रेट मसाला सब पूरा ना, 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 वन, ना। वन, 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 बहुत है।
बस बस अभी मेरा एक ये है, सॉल्ट आप डालो। मुझे नहीं पता चलता है सॉल्ट कितना डालने का, मेरे हाथ से ज्यादा ही गिरता है वो सॉल्ट। इसको प्रॉपरली मिक्स करना है। वैसे तो मैं हाथ से करती हूं, हाथ से ही करते हैं ना, दैट विल बी मोर। मैं ही करता हूं। चलो आप कर रही हैं, मैं करूं? आप करो, जिसके हाथ में टेस्ट है वो करे, तो आपके हाथ में ज्यादा। तो आप ही करो, आप ही करो। नहीं नहीं, आप ही करो। अरे नहीं नहीं, मेरे हाथ में ये है, आपके हाथ में ये है, कीजिएगा आप। इसको 2 hours तक का फिर मैरिनेट करके रखना चाहिए। ओवरनाइट रखी तो बहुत ज्यादा अच्छा है, बेटर। तो 2-3 घंटे इसे मैरिनेट रखना चाहिए, लेकिन शबनम भी कह रही है और मैं भी कह रहा हूँ कि ओवरनाइट अगर फ्रिज में रखोगे तो ज्यादा टेंडर हो जाएगा मटन। एंड बिफोर कुकिंग उसको 2 घंटा पहले निकाल दो, जो उसका कूलिंग है वो निकल जाए तो फिर तो अच्छा, तो ठंडा नहीं होना चाहिए क्योंकि वो फिर ट्रेंडी हो जाता है। अच्छा, सॉफ्टनेस चली जाती है। तो ये हो गया आपका मैरिनेशन, और हमारे पास यहाँ ऑलरेडी मैरिनेट किया हुआ मटन है जो हम अभी कुक करने वाले हैं। ये इन्होंने कल शाम को मैरिनेट करके रखा था और ये काफी टेंडर हो गया है, फ्रिज से निकाल के 2 घंटे रखा है और अब ये कुक होगा। सो फर्स्ट ऑयल, मैं करूँ आपको? ग्रीसिंग द ऑयल इसपे ऊपर? हाँ, पूरा फुल फुल। सो नाउ वी कैन प्लेस द मटन पीस। तो इसे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ना? नहीं लगे क्योंकि काफी टेंडर हो चुका है। अभी लगभग 2-3 मिनट ही हुए हैं ना? हाँ, और अब तो टर्न कर रही है इसे? टर्न करना जरूरी है क्योंकि एक साइड में हाफ कुक ना हो जाए। सो हमें ऐसा कलर चाहिए, ऐसा कलर चाहिए थोड़ा सा। तो ये तो हो गया, रेडी? अब ये हो गया, आप जैसे देख सकते हो इसमें ये ब्राउन थोड़ा आ गया, स्मोकी फ्लेवर। अच्छा, ये तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। मैं थोड़ा ब्यूटीफुल सॉफ्ट पक गया है, और ये पत्थर का घोष है लेकिन अंदर दावत है और बहुत सारा खाना बनाया है, और मुझे कुछ डर नहीं क्योंकि बहुत सारा खाना है, फिर भी मेरे पास दिव्या है जो मुझे कम्प्लीटली कंफर्टेबल डाइजेस्ट कर लेगा खाना पूरा मेरा। तो चलो अंदर जाते हैं और खाना खाते हैं। चलिए। आपने तो यह दावत ही लगा दी है। अरे वाह, तो ये है हमारा पत्थर का गोश्त जो विनिंग रेसिपी है जो शबनम जी ने कुक की। वो फॉइल में है कुल्फी चिकन। क्या कुल्फी चिकन? कुल्फी चिकन क्या होती है? खाके देखिए। खाके देखूंगा, जरूर देखूंगा। तो कहाँ से शुरुआत करें? जो विनिंग हमारी रेसिपी है उसी से शुरुआत कीजिए। तो मैं पत्थर का गोश्त, थोड़ा नींबू डालू क्या उसके ऊपर? क्या लगता है आपको, डालू क्या? डालिए। आप भी लो, मैं अकेले नहीं खा सकता। बहुत ही सॉफ्ट है, तीखा है, जो मजा आता है तीखा खाकर, और जो मीट है वो बहुत अच्छे तरह से गल गया है, और क्योंकि ये पत्थर पे पका है स्मोकी है, और आपका जो सीक्रेट गया है अंदर आप मुझे बताएंगे नहीं, तो मैं क्या करूं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल। अभी ये बहुत इंट्रीगिंग है, तो मैं ये ट्राई करता हूँ। अरे आइसक्रीम जैसे सफेद है, कुल्फी जैसे सफेद है। अब खाओगे तो आपको वो टेस्ट भी वैसे ही आएगा। ये तो क्या मलाई है? क्या है इसमें? मलाई नहीं, इट्स प्योर कर्ड, हंग कर्ड।
स्पेशली आपको ध्यान में रख के मैंने ऑयल बटर ये सब नहीं यूज किया बिकॉज आई नो यू आर ऑन डाइट आई एम ऑन डाइट आई एम ऑन डाइट सो एवरीथिंग इज स्टीम्ड वेरी सो दिस इज स्टीम्ड या दिस इज स्टीम्ड सो हंगर्ड है मसाले हैं कम मसाले हैं क्रीमी है बहुत क्रीमी है जो क्रीम डाले बगैर क्रीमी हो गया है और बच्चों को अच्छा लगता है बिरयानी जो है मेरी वीकनेस है तो मैं ये और इफ यू डोंट माइंड मैं उंगलियों से खाता हूँ अरे वाह फ्रेग्रेंस तो काफी अच्छा आ रहा है बिरयानी का ये रहा पर्दा उसका नीचे भी पर्दा ऊपर भी पर्दा फ्रेग्रेंट है मसालेदार है मैं हमेशा कहता हूँ कि जब खाने के टेबल पे साइलेंस हो जाता है जैसे अभी हो गया है इसका मतलब खाना बहुत अच्छा है थैंक यू अब नरगिस ये तो काफी बढ़िया है नरगिसी चिकन नरगिसी चिकन में थ्रेड है तो आपको वो अच्छा थ्रेड है इसके अंदर निकल गई पूरी मैं इसके अंदर क्या है देखना चाहता हूँ अरे वाह ब्यूटीफुल क्या है इसमें आलू है वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स है यानी आप चुपचाप से मुझे वेजिटेबल्स खिला रही हैं ये आदमी सब्जियां खाता नहीं चुपके उसे खिला देते हैं सब्जियां वेरी नाइस अंदर जो भी है आलू प्याज है आलू है सब्जियां है वेरी टेस्टी थैंक यू सो मच चलो अभी खत्म करने के पीछे लगते हैं इसके वेजिटेबल्स नहीं खाते हो खाता हूँ बहुत कम खाता हूँ लेकिन मुझे नॉनवेज ज्यादा पसंद है अरे बहुत अच्छा था यही होता है ना आप अच्छा खाना लालोगे सामने तो बहुत सारा खा लेता हूँ मैं हाँ लेकिन मेरे पास इसका इलाज है दिप्या जो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है और मेरे जैसे खाने वाले को ज़्यादा लेना ही चाहिए इसलिए मैं थोड़ा इफ़ यू डोंट माइंड मैं ये दिप्या ले रहा हूँ दो चम्मच ये हो गया फैटी खाने का इलाज ज्यादा खाने का इलाज पत्थर का कुछ बहुत अच्छा था ये कुल्फी वाला चिकन भी बहुत अच्छा था सब कुछ अच्छा था बिरयानी ये आइडिया भी बहुत अच्छी थी मजा आ गया तो आप ऐसे ही कुक करते रहिएगा हमेशा हम ऑर्डर भी करेंगे आपके यहाँ से अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट और जो भी करना है करो लेकिन आते रहिए खाते रहिए और पूछते रहिए कि खाने में क्या, क्या है अभी मैंने कुछ इसमें डाला है बहुत से ये वेजिटेरियन लोगों के लिए अच्छा है क्या ये चिकन कुल्फी है इसके लिए कुल्फी है ओ खाके देखो और खाली स्टीम किया हाँ हेल्दी भी है वेजिटेरियन